हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मनीष हरित। आज हम देखने वाले हैं लीट कोड प्रॉब्लम 3, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। छोटा सा क्वेश्चन है और ये स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर अपने सॉल्यूशन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी गई है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं विंडो स्लाइडिंग मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स लेते हैं, दोनों को स्टार्टिंग में जीरो पे सेट करते हैं और उसके बाद में वन बाय वन उनको मूव करते हैं विंडो के जैसे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंटर्स हैं और उनको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ए पे सेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होंगे, जैसे कि जो दो पॉइंटर हैं उनमें से एक मैं लेके चल रहा हूँ स्टार्ट, और एक मान लो आई मान लो, या फिर और कोई भी अपने फोर लूप के साथ में हम लेके चलेंगे। एक मैक्स लेंथ वेरिएबल हम लेंगे क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सेट प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी होती है वो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, तो उसका बेनिफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर को मूव करेंगे राइट साइड में। तो अभी देखोगे ना तो हमारे पास दो करेक्टर्स हैं ए बी, मैक्सिमम लेंथ अपने पास टू है और यहाँ पे कोई भी करेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है तो हम राइट वाले जो अपना पॉइंटर है उसको मूव करेंगे सी की तरफ। अभी हमारे पास मैक्सिमम लेंथ थ्री होगी, अभी कोई करेक्टर जो है रिपीटेटिव नहीं है, हम फिर से मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें अपना सबसे पहला रिपीटेटिंग करेक्टर मिलता है ए। अब हम क्या करेंगे इस केस में, जो अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना जिसको हम स्टार्ट बोल रहे हैं, अब हम उसको मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक कि हम अपनी विंडो से रिपीटेटिंग करेक्टर्स बाहर ना हो जाएं। जैसे कि अभी हमने किया है, तो अभी हमारे पास क्या है बी सी ए अपनी नई स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ को हम स्टोर करा लेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे अपनी विंडो के साथ में और अपने जो वेरिएबल्स हैं मैक्सिमम लेंथ उसको हम अपडेट कराते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार जल्दी से इसका कोड सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टार्ट ले रहा हूँ और उसको मैं ज़ीरो पे जो है इनिशियलाइज करा देता हूँ। मैक्सिमम लेंथ भी ले लेता हूँ, ओके मैक्सिमम लेंथ है, उसको भी हमने स्टार्टिंग में ज़ीरो पे सेट कराया है। अब हम जो है अपना एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर का डील कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर हो गया और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टोर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और जल्दी इसको इनिशियलाइज करा देते हैं हैज सेट के साथ में, हैज सेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब हम अपना फोर लूप एक बार रन करते हैं। फोर लूप अपना कब तक रन करेगा, जब तक कि जो कैरेक्टर है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वहाँ तक अपना फोर लूप रन करेगा। तो वो कर लेते हैं आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये कहाँ तक जाएगा, आई इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ, जो भी एक्स एस अपना जो स्ट्रिंग है उसकी जो भी मैक्सिमम लेंथ है वहाँ तक जाएगा, और आई प्लस प्लस इसके बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो सेट अभी खाली है, जो स्टोर है हमारा खाली है, हमें स्टोर को अपडेट कराना है। तो हम वन बाई वन करेक्टर लेंगे और उसको ऐड करा देंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे कराएंगे, स्टोर डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उसका हम करेक्टर उठाएंगे, कैरेट से करेक्टर उठाएंगे। अब कौन सा करेक्टर उठाएंगे, जो भी अपना करंट इंडेक्स पे है हम वो वाला करेक्टर उठाएंगे और उसको जो है ऐड करा देंगे। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, हम अपनी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम अपनी जो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी मैक्सिमम लेंथ अपनी करंटली स्टोर्ड है वो, और जो इस इंडेक्स पे स्टोर्ड है, हमें दोनों को कंपेयर कराना है। तो हम मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ना, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स, ओके। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम लेंथ, और दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट कैसे हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लेंथ अगर ये ए के ऊपर है ना यहाँ पे फर्स्ट इनपुट में, तो इसकी जो लेंथ है वन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे ऐसे कर दूँ आई माइनस स्टार्ट एस टी ए आर, ओके स्टार्ट जो अपना लेफ्ट वाला जो पॉइंटर वो वाला है, अगर मैं आई को माइनस कर दूँगा यहाँ से, आई अभी वन पे है, वन माइनस वन कर दूँगा ज़ीरो हो जाएगा, वो गलत है। लेकिन मिनिमम लेंथ इसकी वन है ना, तो हम यहाँ पे प्लस वन कर देते हैं, ये सही तरीका है लेंथ मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे इसको आप एक बार पॉज करके देख सकते हो इस वाले पोर्शन को, कि यहाँ पे ये जो कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा साइज चेंज कर देता हूँ, ओके अभी ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम अपडेट करा रहे हैं अपने हेडसेट को। अब देखो हेडसेट की हमें प्रॉपर्टी पता है कि वो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, तो साथ में हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं और हम चेक करते हैं डुप्लीकेशन हमें चेक करना है ना, तो उसके लिए मैं जल्दी से एक वाइल की कंडीशन लिख लेता हूँ। और वाइल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा स्टोर कंटेन कर रहा है
क्या अगर हमारा स्टोर कंटेन कर रहा है करंट वैल्यू को, एस डॉट कैर एट आई, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे अपना कोई कैरेक्टर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो अपना पॉइंटर है लेफ्ट वाला, हम उसको मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक कि वो कैरेक्टर जो है रिमूव ना हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्टोर डॉट, हमें कैरेक्टर को यहाँ पे रिमूव करना है तो हम कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, कौन से कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, इससे पहले कैरेक्टर उठा लेते हैं, जो भी कैरेक्टर अपना स्टार्ट पे है, स्टार्ट पे जो भी करंट कैरेक्टर है हम उसको रिमूव कर देंगे। और एक और चीज़ करेंगे, जो अपना ये है ना स्टार्ट है, हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें तब तक रिमूव करना है जब तक कि सारे के सारे जो हैं रिमूव ना हो जाए डुप्लीकेट करेक्टर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। हाँ तो देखो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट करेक्टर को रिमूव कर दिया, यहाँ से स्पेसिंग हटा देते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है अपने करेक्टर को, स्टोर में ऐड करा दिया हमने, यहाँ पे हमने मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट कर ली है। अब हम जल्दी से इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न हम कराएंगे मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ को हम रिटर्न करा देते हैं। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या दिखाता है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, उसको ठीक कर लेते हैं। अब देखते हैं रन करके क्या आता है, यहाँ भी सेम मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, इनको एक बार ठीक कर लेते हैं जल्दी से। ओके अब चल जाना चाहिए ये, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। ओके एक्सेप्टेड हो गया। तो ये स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है आप कमेंट्स में पिंग कर सकते हो, या और कोई अप्रोच जो आप यूज़ कर रहे हो, और एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके सबमिट हो गया है। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।